ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। सावन का महीना शुरू ही होने वाला है। सावन भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित होता है। पार्वती पुत्र भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाता है। किसी भी शुभ काम से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणपति बप्पा अपने भक्तों के सभी विघ्न हर लेते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित होती है। इस दिन बप्पा की विधिवत पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। सावन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को गजानन संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन बप्पा की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए और उनके निमित्त व्रत भी रखना चाहिए। हर महीने में दो बार चतुर्थी तिथि का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे सुख समृद्धि और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि आने वाली गजानन संकष्टी चतुर्थी की तिथि क्या रहने वाली है, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला है, साथ ही गजानन संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या होता है और इसकी पूजा की विधि क्या होती है। यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि गजानन संकष्टी चतुर्थी कब है। पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 जुलाई को सुबह 7:30 पर शुरू हो जाएंगी। फिर यह तिथि अगले दिन 25 जुलाई को सुबह 4:19 पर समाप्त हो जाएंगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य रखती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 24 जुलाई को गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। तो चलिए अब यह जानिए कि इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस तिथि पर चंद्रोदय का समय रात 9:38 पर होगा। तो यही है वो शुभ मुहूर्त जो गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन रहेंगे। तो चलिए अब गजानन संकष्टी चतुर्थी का महत्व जानते हैं। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है कठिन समय से मुक्ति पाना। दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन गणपति जी की आराधना की जाती है। गणेश पुराण के अनुसार चतुर्थी तिथि के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना फलदायी होता है। इस दिन उपवास करने का और भी अधिक महत्व होता है। भगवान गणेश को समर्पित यह व्रत कठिनाइयों और बुरे समय से मुक्ति दिलाता है। कई जगहों पर इस चतुर्थी तिथि को संकटहारा भी कहते हैं, तो कहीं इसे संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो यही है गजानन संकष्टी चतुर्थी का महत्व। तो चलिए अब इसकी पूजा की विधि जान लेते हैं। चतुर्थी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य दें। फिर एक चौकी को सजाएं और उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद विधि अनुसार उनका जल से अभिषेक करें। फिर उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित करें और कुमकुम का तिलक लगाएं। घर पर बनी कोई मिठाई, मोदक आदि चीज़ों का भोग लगाएं। भगवान गणेश को दुर्वा घास जरूर अर्पित करना चाहिए। फिर बप्पा के वैदिक मंत्रों का जाप और गणपति चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करके पूजा समाप्त करें और पूजा में हुई गलती की क्षमा मांगें। शाम के समय भी पूजा करें, फिर चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ्य दें। तो इस तरीके से आप गजानन संकष्टी चतुर्थी की पूजा करें। तो आज की वीडियो में हमने आपको गजानन संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी दे दी है, जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती हैं। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।